हेलो दोस्तों, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो इंडियन टॉयलेट जाते हैं, इंडियन यानी वेस्टर्न टॉयलेट जो होता है वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें उसका इस्तेमाल करते सही ढंग से नहीं आता है। इसलिए दो कंडीशन में, या तो वो वापस आ जाते हैं या तो उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे गंदा करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि उसे सही ढंग से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें दोस्तों, ताकि आपको हमारी ऐसे ही और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आए फटाफट सीखते हैं वेस्टर्न इंडियन टॉयलेट का आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आइए, तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये हमारा टॉयलेट है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे टंकी लगी हुई है। इस टंकी से पानी इसके अंदर जाता है जब आपको फ्लश करना हो। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी आपको इस किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जब आप जाएं, और जहाँ पे अगर वेस्टर्न टॉयलेट है, तो सबसे पहले ऊपर का कबर्ड इसको उठा लें इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे पर इसे ना उठाएँ, क्योंकि ये बैठने का रहता है। यहाँ पर आपको बैठना है, यहाँ पर आपको बैठने के बाद आपको जो भी टॉयलेट वगैरह जो भी करना आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका सब हो जाए, तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि धोते कैसे हैं और कैसे मतलब साफ करते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि बाहर ही बैठ करके धो लेते हैं और उसे गंदा करके छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसमें धोने का सिस्टम भी दिया रहता है, आपको इसे उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बैठना है। और बैठने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से ये दिख रहा है, देखिए आपको ढूंढना होगा आपके जहाँ भी टॉयलेट है वहाँ पे ऐसे टाइप का गोल्ड कलर का दिया होगा, जैसे आप उसको घुमाएंगे, ये देखिए, देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इससे दोस्तों हमारा धोने वाला जो काम है ये करता है, ठीक है। तो इसको आपसे यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं, तेज भी कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई भी डब्बे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से धोना पड़े, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपके यहाँ कहीं को टॉयलेट में आप जाएंगे तो इस तरीके का भी वहाँ पे फ्लश लगा रहता है, आप इसकी मदद से भी धो सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको वहाँ मिलेगी टॉयलेट में, ठीक है। आपको वहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है कि आपको नहीं आता है तो आपने छोड़ के आ गए, वहाँ पे गंदा करके आ गए, या फिर नहीं आता है तो आप जो डब्बा वहाँ पर रहता है, मग रहता है, मग से कई लोग धो लेते हैं, और कई लोग तो डर के चक्कर में जाते ही नहीं क्योंकि उन्हें यूज़ करते नहीं बनता इसे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, और जब आपका काम हो जाए तब आप इसे हल्का सा प्रेस कर दें, खुद ब खुद बंद हो जाता है। और किसी किसी में नहीं भी बंद होता है तो उसको धक्का देंगे तो बंद हो जाएगा। और उसके बाद बंद करने के बाद दोस्तों, इस तरह का डब्बा आपको हर जगह मिलेगा, जहाँ पे भी आप टॉयलेट में जाएंगे यहाँ पे बटन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे साइड में भी बटन दिया गया हो, लेकिन हमारे इसमें यहाँ पर दिया है तो हमें इसे बस दबाना बस, ये देखिए, है ना, ये देखिए, आप दबाएंगे तो आपका जो भी है, ये देखिए, इस तरीके से ये पूरा साफ हो जाता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन टॉयलेट वेस्टर्न टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, देखा आपने कैसे इंडियन वेस्टर्न टॉयलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आप कहीं पर भी जाएंगे तो आप इसी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से किसी भी वेस्टर्न टॉयलेट में जा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।